उत्तराखंड के सुरंग में 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सुरक्षित बाहर निकले कुल 41 श्रमिकों में झारखंड के 15 श्रमिकों की अपने घर वापसी हो गई है। सभी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर झारखंड लाया गया। मजदूरों के साथ उनसे मिलने गए उनके परिजन भी साथ लौटे हैं। झारखंड वापस लौटने वालों में कुल 30 लोग हैं, इनमें 15 मजदूर और 12 परिजन शामिल हैं। इसके अलावा श्रम विभाग के पदाधिकारी भी शामिल हैं। बता दें कि एयरपोर्ट में इन मजदूरों का भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। झारखंड सुरक्षित पहुंचने के बाद सारे मजदूरों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। बता दें कि एयरपोर्ट से सीधे सारे मजदूर उनके परिवार के लोग सीएम हाउस पहुंचे। उम्मीदें कम थी नहीं, हम लोग को पूरा विश्वास था कि हम लोग निकलेंगे वहाँ। तो अब तो घर वापस लौटा है, रोजी रोजगार का क्या होगा? रोजी रोजगार का अब हेमंत सरकार क्या बोलेंगे वही तो हम लोग को सुनना चाहते हैं। यहाँ पे मोदी सरकार से भेंट हुई? मोदी जी से भेंट हुई? मोदी से हम लोग का भेंट नहीं हुई है, उनका की बात हुई है। अच्छा, क्या बोले? वो तो हम लोग को कुछ भी नहीं बोले। मजदूर देखिए जाने की प्लान करते हैं, जैसे कि यहाँ की मजदूर क्यों जाते हैं, यहाँ की जब नौकरी नहीं मिलती तो बाहर जाना ही पड़ता है। साथ में चल रहे थे, हम सब साथ ही आए हैं और आप देखेंगे तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था करके लाई गई है मजदूरों को। आप हवाई जहाज से लाया गया है, हम सिर्फ कहते नहीं करते हैं। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज नहीं, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये 20 वर्षों की बिगड़ी हुई व्यवस्था है और उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार है सब आप लोग जानते हैं। पलायन को रोकने के लिए सरकार लगातार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उसको हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब कोरोना का भी काल समय आया था उस टाइम भी हम लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में काम किया था, झारखंड ने काम किया था, उसका कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर से सुखद क्षण है, सुखद फल है और सुखद दिन है। झारखंड ही नहीं बल्कि 41 मजदूर जो टनल में फंसे हुए थे उसको नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से, उत्तराखंड की सरकार के प्रयास से आज वो सकुशल अपने घर में आ रहे हैं, हमारे बीच आ रहे हैं। हम सब लोग उनके लिए अभिनंदन करने के लिए आए हैं और नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देते हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा और रफी शमी की रिपोर्ट।